बाय 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 बाय, इधर बोलो बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ आवर डे 3। तो पूरा पैकिंग वैकिंग हो गया है। होटल दोलमा रेसिडेंसी तावांग में है ये। कल हम लोग यहीं पे स्टे किया था। अभी कोई कोई एड्रेस बोमला निकलने वाले हैं हम लोग, लेकिन बोमला नहीं जाएंगे क्योंकि पास वास की ज़रूरत था। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं तावांग मोनेस्ट्री। थोड़ा सुबह का नज़ारा देखिए। अभी हम लोग आके पहुँचा है तावांग मोनेस्ट्री, क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था और होटल ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। थैंक गॉड कि हम लोग का एक स्टूडेंट था, तो अभी बच्चा ये जा रहा है, लामा बच्चा। तो बाइक भी हम लोग ने इधर में पार्किंग कर लिया है, चलते हैं। इतना फोगी है मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सामने। अभी सुबह 8 बजने वाला है। अभी तावांग मोनेस्ट्री हम लोग देख के इधर से निकल जाएंगे। निकल के हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्टॉप इज जोंग वाटरफॉल, उधर में हम लोग रुकेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, वार मेमोरियल में एक बार रुकेंगे और उसके बाद रुकेंगे नहीं कहीं, सीधा दिरांग तक निकलने की कोशिश करेंगे। और दिलो ऐसा की बात किसे ना हम मुखल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना फॉग है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाह ही वाह। पूरा सुबह फोगी फोगी है। बाइक बहुत दूर में पार्क किया है, अभी आगे जा रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या है, तो मैं सर कुछ आइडिया आगे देखते हैं क्या है। और पूजा सूजा करके आते हैं अच्छे से मोनेस्ट्री के अंदर। वो तो है, लेकिन एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि मतलब इधर घुसते ही मतलब कुछ एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक पीस वाला मतलब फीलिंग आ रहा है। मतलब हाँ वो मतलब अंदर से मतलब कुछ आ रहा है, मतलब फीलिंग आ रहा है। हाँ मतलब माहौल ऐसा है कि आप थोड़ा मतलब मन को शांति मिलता है। और कुछ धुन भी सुनाई दे रहा है, शायद कुछ पूजा वूजा हो रहा है तो पता नहीं। आप लोगों को कुछ दिखाना है, मतलब अभी तावांग से हम लोग निकल गए हैं। तो तावांग से जो दिरांग का रास्ता है, वापस आते समय हम लोग कुछ मिला है। सो लुक एट दिस, दिस इज फॉर यू। अभी मेरे साथ बहुत मतलब बड़ा हादसा हो गया था। मतलब वो उधर में फ़ोटो खींचने का पॉइंट है, उधर में गया था वो आप लोग देख सकते हैं। मेरा गार्ड पहन के रखा था, गार्ड का हालत क्या हो गया, मतलब पूरा वो घुस गया, मतलब इतना भयंकर से उधर जाके मैं गिरा हूँ। वो अभी वो लड़की भी अभी गिरा हुआ था, वो उधर में जो जा रहा है। तो गार्ड थैंक गॉड गार्ड ने बचा दिया है। अभी फिर वापस जाके फ़ोटो खींचेंगे, खींच के ही जाएंगे।
अभी आके हम लोग जिरांग से पहले ये रामा कैन एक जगह इधर पहुँचा है, जो मतलब सेला से आते आते, सेला में तो आज बहुत हालत ख़राब हो गया था, वो तो बाद में बताता हूँ पूरा कहानी, मरेगा जैसा लग रहा था। अभी एक होम स्टे मिल गया है, दीदी दुकान बंद करने गया है तो दीदी के साथ हम लोग उसका होम स्टे में जा रहे हैं, उसके बाद होम स्टे में दिखाते हैं। तो अभी रामा कैंप में होम स्टे मिल गया, हम दीदी के साथ आ गया, दीदी के साथ आया है अभी। तो ये देखिए पूरा दुकान खुल के, आज मतलब कपड़ा पहनना ना पहनना बात वही था, मतलब अभी क्या करेगा, पूरा साफ भीग गया है, सब अभी सुखा के रखा है, कल के लिए पहनने के लिए कुछ है नहीं, मतलब ऐसा वाला हाल है। ओ अभी वो देखिए दोनों से ट्रेजेडी। किस खुशी में ट्रेजेडी आज दोनों सर, वो हम लोग कैसे बस के आए वो बोलिए, क्या बोलेंगे, इतना खराब, क्या इतना ठंडा, डर लग रहा था, ठंडा में मेरा हाथ फ्रीज हो रहा है, अमरेंद्र सर में क्या होगा, उसका फ्रीज हो जाएगा तो सीधा हम खलास। तो आज मतलब कहानी ऐसा था, मतलब सेलाबस का हम लोग अभी मतलब कुछ वीडियो वगैरह फोटोज वगैरह कुछ भी ले नहीं पाया, क्योंकि मतलब उस समय मतलब दिमाग में वही चल रहा था कि कैसे इधर से बस के निकले, क्योंकि उधर में स्टे करने के लिए कोई जगह भी नहीं था। तो मतलब उधर पहुंचते ही हालत ख़राब हो गया था, ना बॉडी काम कर रहा था ना मतलब दिमाग काम कर रहा था, ऐसा वाला हाल था। तो उधर में लास्ट में एक चाय का टोकरी मिला, तो उधर में चाय पिया, तो चाय पी के 2-3 कप चाय पी लिया हम लोग। तो पीने के बाद मतलब थोड़ा अंदर में थोड़ा गर्मी महसूस किया, उसके बाद मतलब गज को भी मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग किया है, मतलब उसके बाद मतलब जैसे तैसे यानी हाँ हम लोग को दिरांग तक पहुँचना ही, तो उसके बाद निकलना शुरू किया। फिर मतलब पूरा अंदर से तो काँप रहा था, क्योंकि पूरा अंदर तक मतलब कपड़ा पूरा भीग गया था, रेनकोट लगाया था तो कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं था, मतलब इतना बारिश और इतना कोहरा ना कोहरा, मतलब कुछ रास्ता तो सामने दिखाई, फोगी मतलब दिखाई नहीं देता, ऐसा वाला हाल था, मतलब कहाँ हूँ क्या हूँ, मतलब दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब मतलब हॉर्न बजा रहा हूँ रास्ता में, और मतलब जो भी हो कुछ भी हो या ना हो मतलब चल ही नहीं, जैसे तैसे 20-30 किलोमीटर स्पीड में आप आ सकता है उधर में, क्योंकि अब हम लोग नीचे भी उतर रहा था, क्योंकि ऐसे भी स्पीड बढ़ जाता है तो इसमें बहुत कंट्रोल के साथ चलाना पड़ता है। मतलब ये तो मतलब भयंकर वाला एक्सपीरियंस था आज, एक्सट्रीम राइड बोलता है ना वो फील हो गया, क्योंकि जाते समय भी ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि इतना बारिश और उतना मतलब कोहरा उस समय नहीं था, आते दिन मतलब ऐसा लग रहा है जो जाते समय जो अच्छा रास्ता था उधर में भी हम लोगों को ख़राब ही लग रहा है, क्योंकि मतलब हर जगह पानी भर चुका था, मतलब कोई रास्ता अच्छे से नहीं दिखाई देता, वो हेलमेट पहनने के बाद वो ग्लास से कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तो मतलब बार बार ऐसे ग्लास को पूछो फिर मतलब चलाओ, मतलब बहुत मतलब तकलीफ़ वाला, मतलब एक मतलब एक्सट्रीम राइड का मतलब एक्सपीरियंस लिया आज। तो जैसे तैसे आके दिरांग पहुँचे हैं, अभी लेट रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सा मेरे साथ आज एक छोटा इंसिडेंट भी हो गया, छोटा नहीं मतलब वो छोटा ही बड़ा हो जाने वाला था, क्योंकि अगर गार्ड मुझे सेव कर लिया था जो मेरा नी गार्ड था, तो उसकी वजह से आज बच गया जैसे तैसे। तो अभी तो दिरांग में स्टे कर रहे हैं, तो होम स्टे था वो, दीदी अच्छा था, बहुत अच्छा था ना दीदी, अच्छा। दीदी का मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, और जो मतलब सब कुछ अच्छा है, और खाना वाना अभी खिला दिया हम लोगों को, खाना भी बढ़िया था, टेस्ट दिया, चिकन खिलाया था तो बढ़िया था। तो कल सुबह ब्रेकफास्ट खा के थोड़ा दिरांग का थोड़ा इधर उधर थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपना घर की तरफ।